हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम कर रहे हैं वॉक। और पता है वॉक क्यों कर रहे हैं? ये मेड से कहते हैं मैं मोटी हूँ और बारिश पड़ रही है, काफ़ी सर्दी लग रही है मुझे, तो देखिए बारिश पड़ रही है इस वजह से मैंने जैकेट पहन रखी है। अब आप ही बताओ मैं मोटी, इनसे पूछो ये बात, ये मेरे को मोटी कहते हैं, इनको डांटना कमेंट करके बताओ ना, अब इनको बताओ मोटी हूँ मैं। मोटी है। देखो मेरे से मोटी कहते हैं ये, मैं इतनी फिट हूँ फिर भी मेरे से बोलते हैं कि वॉक किया करो। सुबह भी करती हूँ मैं, अभी भी लेके आए मुझे ऊपर से कि नहीं चलो वॉक करने चलना है, और अंदर अंधेरा था तो इस वजह से बिल्कुल ब्रेक आ रहा था। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, सर्दी लग रही है। बारिश में नहीं जाना। I will be at in front of you, okay? So be stay there. हेलो, अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर, क्योंकि इन्होंने इतने चक्कर लगवाए मेरे से, इतने चक्कर लगवाए, बोलते हैं मोटी है, थोड़ा वेट कम कर, वेट कम कर। अरे मैं कितनी पतली हूँ फिर भी ये ऐसा बोलते हैं। और आज वैसे भी मेरा फास्ट है शुक्रवार का, और नीचे इतनी सर्दी लग रही थी, नीचे जाके तो मुझे सबसे ज्यादा सर्दी लगती थी मुझे, और जब मैं ऊपर रहती हूँ तब नहीं लगती मुझे, लेकिन नीचे जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी तो कपकपी बन जाती, इसलिए मैं पहले ही इंतजाम करके गई थी, मैं पहले ही जैकेट पहन के गई थी मैं, कि अगर सर्दी लगे तो बीच में वापस ऊपर ना आना पड़े। जब मुझे सर्दी लगती है तो मैं ऊपर जल्दी से आ जाती हूँ कि मुझे तो सर्दी लग रही है जाना। अभी भी आने नहीं दे रही थी, कह रही थी नहीं चक्कर लगाओ, अभी 25 चक्कर लगाने, इतने लगाने वो लगाने, मैं रहने दो, मेरा फास्ट है, मैं तो अपने लिए परांठे बनाऊंगी, तो आज मैं आलू के परांठे बनाऊंगी। तो मैंने उसका मतलब तैयारी तो मैंने पूरी कर ली है, आलू वगैरह उबाल लिए हैं, तो अभी देखती हूँ मैं, अभी तो थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम और रेस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल पैर इतने दुख चुके हैं, कहते हैं तुम्हारा पेट निकल रहा है, देखो मेरा पेट कहाँ से निकल रहा है, पता नहीं इनको कहाँ से लगता है कि पेट निकल रहा है। मैंने कहा मैं अपने सारे फ्रेंडों से बोलूंगी, तुम्हें ना कमेंट करके सब डांटेंगे कि तुम मुझे मोटी बोलते हो, बोल रहे हाँ बोल देना अपने फ्रेंडों को। मैं कि बोलूंगी, जब तुम मुझे मोटी कहते हो तो मैं बोलूंगी नहीं उसे, बोले हाँ भाई तेरे फ्रेंड हैं, हम क्या लगते हैं उनके, हमको तो कोई कुछ भी कह सकता है। मैंने कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सबसे ऊपर हो, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसी मजाक में कह रही थी आपसे। तो अभी शाम के शायद 5:30 बजे, मैंने टाइम देखा नहीं है लाइक, लेकिन हम 5 बजे गए थे तो हमें आधा घंटा हो गया उधर। और अभी पता क्या हुआ, हम वहाँ पे वॉक कर रहे थे तो वहाँ पे पता नहीं किसी ने डॉगी पाल रखा है, तो छोटे छोटे बच्चे उधर खेल रहे थे, तो डॉगी एकदम झपट के पड़ा वहीं पे जहाँ पे हम, हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो थोड़ी दूर था, उसके फादर एंड उसके पापा उसके साथ थे, तो जैसे ही वो चिल्लाया तो हम भी गए कि क्या हुआ ऐसा, फिर हमने देखा तो वो डॉगी था, वो बच्चे के ऊपर चढ़ चढ़ जा रहा, बच्चे क्यों जोर जोर से चीख रहा था, फिर उस बच्चे की मम्मा आ गई, तो उसने डांटा कि या तो आप ये डॉगी यहाँ से निकाल दो, और वरना आप ये मतलब सोसाइटी छोड़ के चले जाओ, आपको हम लास्ट वार्निंग दें, मतलब झगड़ा हो गया उधर। फिर हमारे हस्बैंड जी भी बोल पड़े, कुत्ते रखने की क्या जरूरत है सोसाइटी में, मन के आप चुप रहो, बोलने नहीं देती है मुझे,
अगर गलत चीज है वहां पे बोलना चाहिए, अरे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो क्या जरूरत है डॉगी रखने की। और डॉगी रखते हो तो ऐसे रखो जो कंट्रोल में कर सको। मतलब उसकी बेटी लेके आई थी तो उन्होंने देखा तो उसको, क्यों बाल खींच रहे हो आप मेरे, शाली फिर देखा तो उसकी बेटी से संभाल ही नहीं रहा था डॉगी, एकदम चढ़ चढ़ जा रहा बच्चे के ऊपर। फिर इन्होंने भी कहा कि आपको नहीं रखना चाहिए, और अगर बच्चों को इतना परेशान करता है तो पहले भी आपकी शायद शिकायत आई थी कि आपका डॉगी किसी बच्चे को खा गया, तो आपको नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे भी खेलते उधर। तो ऐसी बहसबाजी हो गई। उस टाइम वीडियो ऑन, कैमरा ऑन नहीं था, वरना मैं वीडियो बनाती वहां से। और फिर इतनी जल्दबाजी में बन भी नहीं पाती, वरना उन दोनों में मतलब उसके जो फादर थे लड़के के, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो तो चुप थे, लेकिन उन दोनों में ही बहस हो रही थी। वो जिनका डॉगी था वो चुप थे, लेकिन जिनके बेटे को खाने वाला था डॉगी, वो उनके ऊपर चीख रही थी कि मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आप सोसाइटी खाली कर देना, वरना मैं देख लूंगी, शिकायत कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो वो खुद कर दूंगी। चेयरमैन थी मम्मा, चेयरमैन थी वो खुद? हाँ अच्छा सोसाइटी की चेयरमैन थी वो खुद, इसलिए अच्छा तो उन्होंने वार्निंग दी थी। अच्छा वो चेयरमैन का बेटा था। हाँ हाँ अच्छा, मैं तभी तो कह रही थी कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि सोसाइटी खाली कर देना, अगर डॉगी को नहीं हटा सकती तो आप यहाँ से। हाँ ठीक है, फिर भी अपनी सावधानी अपने हाथ में, ऐसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो डॉगी नहीं रखना चाहिए। और देखिए वंश और दे, अरे वंशु आओ ना मम्मा इधर। मम्मा हाँ मम्मा, हाय। हाय देवा, हाय कर रहा आज। अब मेरे बच्चे ना एकदम गंदे लगते हैं, मेरे बच्चों के पूरे बाल कटवा दिए। आपकी बार मैं इनकी अच्छी सी कटिंग करा के लाऊंगी। गंदा हो गया, गंदे नहीं है बेटा, बाल है तो सही आपके, कितने सारे बाल हैं देखो ना, देखो वंश गंदा ही के, तो हूँ। वंश के देखो कितने सारे बाल हैं। वंश का क्या है, मैं जहां मैं अंदर आके लेटूंगी ना तो वंश ना मुझे ऐसे ढूंढता है, सब ये बच्चा है, मतलब ये मुझे खोजता खोजता अंदर ही आ जाएगा, फिर इसे मेरे साथ ही लेटना है, फिर नहीं जाएगा कहीं भी। अब मैं इसको डांटती हूँ कि आप बाहर जाके पढ़ाई करो, नहीं मम्मा के साथ ही बैठना है इसको। इतना देव को वो नहीं है मेरा, लेकिन वंश है ना, इतना बड़ा हो रहा है तब भी इसको मम्मा ही चाहिए। और अभी मैं बनाऊंगी पराठे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। पराठे तो सबको आते हैं, लेकिन मैं भी ऐसी बनाती हूँ आपकी तरह, कुछ अलग नहीं है। लेकिन आज शुक्रवार है तो उसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालूंगी, मेरे संतोषी माता का व्रत है आज का, तो उसमें खटाई वगैरह नहीं डालती मैं शुक्रवार को। तो उसमें मैं मिर्ची और वो क्या बोलते हैं नमक, बस एक दो चीज ही डालूंगी। तो चलिए हम आपको अब मिलते हैं बाद में, कभी कभी नहीं, अभी थोड़ी देर में, सॉरी कुछ भी निकल जाता है मुंह से। देव कहाँ, नहीं नीचे। तो चलिए मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा भी लगा लिया है और चटनी भी बना ली है आलू की। मैंने इसमें दो प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है क्योंकि इससे थोड़ा इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोई मसाला वगैरह नहीं है। और ये बनाई है मैंने चाय, और मैंने दूध में ही पत्ती लगाई, यानी कि मैंने इसमें वो नहीं किया, पानी नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि वैसे तो परांठे दही से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है कि आज शुक्रवार है तो हम खट्टा नहीं खाते आज के दिन, तो इस वजह से मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। घिया की सब्जी मैंने सुबह बनाई थी, कुछ घिया की सब्जी रखी है और चाय बना लेती हूँ। और फिर देखती हूँ, मैंने वैसे ग्वाल की फरी भी काट के रखी है, अगर इनका क्या है कि इनको सब्जी जरूर चाहिए, अगर इन्होंने घिया की सब्जी नहीं खाई तो फिर मुझे इनके लिए बनाना पड़ेगा इनको। और मैंने ये मिर्ची भी काट के रखी है, मैं मिर्ची अपने लिए लेकिन सुबह बनाऊंगी। मुझे ना ये मिर्ची उसमें अजवाइन में तड़का लगा के रख लेते हैं ना हल्का सा इसको गला के, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये बनाती रहती हूँ अपने लिए। लेकिन अभी देखती हूँ क्या बोलते हैं, अगर खा लेते तो ठीक है, वरना बनाना पड़ेगा मुझे। तो फटाफट से मैं पराठे बना लेती हूँ, पहले बच्चों के लिए और इनके लिए बना दूंगी, बाद में मैं अपने लिए बनाऊंगी। ये देखिए चाय बन चुकी है और अभी मैं कर रही हूँ पराठे की तैयारी, तो मैं पहले बच्चों के लिए बना देती हूँ, उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी। तो गैस को ऑन कर देते हैं, और ये रिफाइंड लिया है मैंने, बारिश के टाइम में पकौड़े हो या आलू के पराठे हो बहुत अच्छे लगते हैं।
इसके अंदर मैंने खूब सारी चटनी डाल दी है आलू की। गैस को इसमें जितना धीमा रखा जाए उतना ही अच्छा है। जैसे ये आटा है ना, यहाँ का जब मैं वहां के आटे से बनाती थी तो वो तो गेहूं का आटा होता था तो अच्छा था। गेहूं का तो इसमें पता है कि जैसे लगता है चावल मिलाए हुए हैं तो इसका ना अच्छे से बनता नहीं है पराठा, यानी कि बहुत पतला पतला सा हो जाता है और जल्दी टूटता है, तो इस वजह से मुझे धीरे धीरे ही बनाना पड़ेगा। वैसे भी आलू के पराठे हल्के हाथ से ही बेलने चाहिए। चाय बन चुकी है, इसको बंद कर देती हूँ। अब एक बार मैंने इसको पलट दिया है क्योंकि एक दो बार पलट के लगाते हैं ना घी या रिफाइंड जो भी कुछ आप लगा रहे हो तो अच्छा कलर आता है परांठे में बिल्कुल ब्राउन। अगर हम कच्चे पे ही लगा देते हैं तो उसका जो कलर है वो अच्छा नहीं आता। अब इसके ऊपर लगा लूंगी मैं, मैंने रिफाइंड लिया है सफोला का। आप भी खा लीजिए, गर्मा गर्म पराठे हैं, चाय है। मैं ये सिपरा इतना दूसरा तैयार कर लेती हूँ। इसमें कौन सा स्मॉल या बिग? तो देखिए कितना लाजवाब पराठा सिक रहा है और मैंने खूब सारी चटनी भरी इसके अंदर ताकि अच्छा बने। तो सबसे पहले देव को ही दिया है मैंने, ये देखिए दो पराठे सिक गए हैं, बाकी के मैं तैयार कर लूंगी। तो आज ये रात की वीडियो है तो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताना कि मैं मोटी हूँ कि पतली हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि मैं काफी मोटी हूँ। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।